सबका स्वागत है आपका अपना चैनल दुर्गा देसी खाना में। आज हम बनाएंगे राम पकौड़ी, जो कि बहुत अच्छा होता है खाने में और बहुत शौक से सब खाते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये है दाल जो हमने इस कटोरी से दो कटोरी लिया है, इसको हमने अच्छे से 3-4 घंटा भिगा दिया है। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये है मूली जिसे हम कद्दूकस कर लेंगे, छील के रख लिया है। ये है मूली के छोटे छोटे पत्ते और कुछ धनिया पत्ते, ये 3-4 हरी मिर्च है और ये 4 लहसुन की कली है जिसकी हम चटनी बनाएंगे। पीस लेते हैं। इसमें हम नमक डाल देते हैं और ये इन सबको पीस लेते हैं। हमने पीस लिया है इस तरह से, ना पतला होना चाहिए। अब हम ये मूली घिस लेते हैं। हमने ये मूली घिस लिया है और ये उसके पत्ते थोड़े काट लिया है, ये हरी मिर्च। अब इन सब के हम मिक्स कर लेते हैं। पीस लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। अब हम ये तेल गरम होने के लिए रख दिया है, हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई होता है अच्छे से, इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं जब तक तेल गरम हो रहा है। से हम फेंट लेते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं इसमें, देखे देखिए हमारा दाल बिल्कुल तैयार है। इसे निकाल लेते हैं। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है, हम इसमें हल्दी नहीं डालना है, हमें ऐसे ही बनता है। अब हम छोटे छोटे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम इसको पलटते रहेंगे। अभी थोड़ा कच्चा ही है, अब ये हो गया है। अब हम इन सबको निकाल लेते हैं। डाल देते हैं।
बंद कर लेते हैं और इन्हें भी सारे को निकाल लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से बनाया है, जैसे खाते हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।